हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल एंड टुडे इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास 7 प्राची मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन द लास्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए ना. अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस जो भी पार्ट है इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है. तो पार्ट नंबर 1 जो इससे पहले मैंने बनाया हुआ है जिसमें हमने सारे लॉज सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो कृपया पहले फर्स्ट वो वीडियो देखिए और आपको सारे बेसिक नॉलेज होने चाहिए. तो ये कौन सा है, ये पार्ट नंबर 2 है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पार्ट 2 है. इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूँ, आप उसको पहले देखिए अगर नहीं देखा है तो. चलिए तो आगे चलते हैं. द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 32 अपॉन -243 इज, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना है तो इसमें कुछ भी नहीं, 32 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर्स में आप डिवाइड करिए. कैसे करेंगे तो 32 को लिखिए और एलसीएम आप सभी ने निकाला है तो वैसे आप फैक्टर निकाल दीजिए. तो 2 से मैं इसको करूँगा तो ये 2 1 2, 2 6 12 और 2 से 2 8 16, अगेन 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. तो यहां पर मुझे 32 के फैक्टर मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 5 times मिल रहा है, 1 2 3 4 5. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप सभी को मालूम है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 5 या 2 raised to the power 5 मैं लिख सकता हूँ. वैसे नीचे मुझे दिया है 243, तो 243 के फैक्टर भी मैं यहाँ पर बनाऊँगा. देखिए जरा कैसे, 243, तो यहाँ पर इसके फैक्टर बनाइए 243. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल नहीं आते हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. ये देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है ना, यानी वंस प्लेस है, वो ऑड है, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आप सबको ऐड करके देख लीजिए, अगर इनका एडिशन 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो देखिए 2 और 4 6 और 3 9, 9 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से करिए, 3 2 6, 2 बचेगा तो 21, 3 7 21, फिर 3 से करिए, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. तो यहाँ पर 3 के कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं. तो मैं लिख सकता हूँ कि 243 भी जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, वो 3 × 3 × 3 × 3 × 3. और यहाँ पर एक चीज़ हम मिस कर गए हैं, ये -243 था, यानी कि हर एक फैक्टर इसका माइनस में होगा, हर एक फैक्टर इसका क्या होगा, माइनस में होगा. तो माइनस और इसको हम क्या लिखेंगे, -3 raised to the power 5. तो इस नंबर को मैं पर्टिकुलर नंबर को कैसे लिख सकता हूँ कि 32 अपॉन -243 इज इक्वल्स टू 32 को क्या लिखूंगा, 2 raised to the power 5 अपॉन 243 को कैसे लिखूंगा, -3 raised to the power 5. और अगर दोनों की पावर सेम होती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 upon -3 raised to the power 5. तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा. अगर ये कैसे किया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पार्ट नंबर 1 देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पर क्या किया है हमने. तो यहाँ पर बच्चों एक फार्मूला यूज़ होता है, a/v (n) अगर n है या m है तो इसको हम लिख सकते हैं a^n/v(n). तो अगर दोनों नंबर की पावर एक ही है तो उसको मैं अलग अलग पावर भी लिख सकता हूँ, अगर अलग अलग लिखिए तो उसको मैं साथ में लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो ये देखिए, ये हमें कुछ इस फॉर्म में लिखा है और ये हमें कुछ इस फॉर्म में लिखा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं. तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. तो ये था हमारा चूज द करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ होल ब्रैकेट -2/3 raised to the power 3 whole power -1.
तो ये फॉर्म आपको कुछ समझ में आ रहा है, इस फॉर्म से आपको फॉर्मूला आ रहा है दिमाग में, ये कौन सा फॉर्म है, एक्स एक नंबर जिसकी पावर एम और होल पावर प्यारे बच्चों एन, तो एक नंबर है ये, इसकी पावर एम है और उसकी भी पावर एन है, तो ये वो फॉर्म है। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने आपको कि जब पावर के भी ऊपर पावर हो तो क्या कर दीजिए, पावर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x को जैसा का तैसा लिखिए और पावर का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए, तो x क्या है 2y3, तो 2y3 को लिखिए एज इट इज और पावर्स का कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × −1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा −2y3 और पावर अब बन जाएगी 3 × 3 यानी कि −3। और अब देखिए कौन सा फॉर्म बन गया, जब माइनस में पावर्स हो तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने बताया है कि एक्स की पावर अगर नेगेटिव है यानी कि −3 है तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसके अपॉन में 1 होता है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x की जो पावर −3 थी वो कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये नंबर जिसकी पावर −3 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, −2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/−2 और ये जो पावर −3 थी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, +3 हो जाएगी। और अब पावर को हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, अब 3 की पावर 3 और −2 की पावर 3, और इसको भी आगे हम सब सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 × 3 × 3 और नीचे −2 की पावर 3 क्या होता है, −2 × −2 × −2। तो इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 4, 4 × 8, 8 और साथ में माइनस का साइन चल रहा था तो माइनस, तो 27/−8 बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, जो कि है हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक बार और आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा, हमें क्या दिया था, हमें ये नंबर दिया हुआ है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। हमने क्या किया, हमने इसको देखा तो हमें समझ में आ रहा था कि पावर के ऊपर पावर, यानी कि एक नंबर है x^m उसकी होल पावर n, तो पावर के ऊपर जब पावर दी हो तो पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि 3 × −1 हो गया, जिससे पावर बन गई −3। अब किसी की भी नंबर पावर जब माइनस में होती है तो हम उसको सॉल्व नहीं करते, बल्कि उसका रेसिप्रोकल करके उस पावर को कर लेते हैं पॉजिटिव। तो −2/3 को मैंने रेसिप्रोकल किया तो 3/−2 और ये पावर बन जाती है बच्चों +3। और अब इस पावर को मैं सेपरेट कर सकता हूँ किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये बताया था मैंने अब भी आपको इस फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला लगा है a/b की पावर n, जिसको मैं लिखा है a/n/b/n, यानी कि एक नंबर जिसकी होल पावर थी उस पावर को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ हर एक नंबर के लिए, तो मैंने लिखा कि a/n/b/n, तो उस तरीके से मैंने किया। अब 3 पावर है मतलब 3 × 2 होगा, इसकी भी 3 पावर मतलब 3 × 2 होगा, तो ये 2 करने पर इतना हमें आंसर मिल जाएगा। आप किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो चाहिए कि माइनस का साइन सर आपने नीचे लगाया है, यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है, क्योंकि इसको मैं −1/−1 से 2 कर दूंगा तो ये नंबर यही बन जाएगा, इसलिए यही ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम है, डोंट वरी। ठीक है, ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट का थर्ड वाला देखते हैं, आइए जरा। तो −2/9 × −2/3² या पावर 2 बोल सकते हैं आप, और उसका भी होल स्क्वायर 3 है, तो इसका हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आइए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। तो 2/9 × 3, तो इसको मैंने लिखा 2/9 × 3 डिवाइड को एज इट इज लिख दिए। इसको जरा देखते हैं, हम 2 टू दी पावर 3 है और 3 × 3 है, तो इस 3 को हमको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि −2 × 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 × 2 और होल पावर 3। तो इस 3 को मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया है। अब इसके आगे मैं स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ भी 2 की पावर 3 सेपरेट सेपरेट कर देता हूँ, 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए −2 की पावर 3
अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, या वैसे कर लो, या आप ऐसे कर सकते हो कि पहले पावर्स का इनटू कर सकते हो, ठीक है, कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 to the power 6 हो जाएगा, 3 to the power 6 हो जाएगा। अब डिवाइड को आप किस में चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो ये 2 raised to power 3, 9 raised to the power 3। अब जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो, जो बाद वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई लिखते हो, ये जो बाद वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 3 to the power 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा -2 to the power 3, -2 to the power 3 ये बचेगा नीचे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि -2 to the power 3 से -2 to the power 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है 3 to the power 6 और अपॉन में बचा है 9 to the power 3, ठीक है, और एक नीचे माइनस का साइन, तो यहाँ नीचे लगा देंगे माइनस, ठीक है बच्चों। 3 to the power 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, यानी कि 6 times 3 लिख सकता हूँ। वैसे 9 minus 9 to the power 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -9 into -9 into -9, तो ये 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और ये 3 3 जा 9 ये कैंसिल आउट, ये 3 3 9 ये कैंसिल आउट, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बच रहा है और नीचे एक माइनस का साइन है, इसलिए आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, -1। सब कुछ यहाँ पर कट पिट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट शॉर्ट करने के बाद -1 ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा 3। अब चलते हैं हम 4th पर, तो चलिए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट का 4th, जिसमें -5/8 दिया हुआ है, तो -5/8 to the power 1, तो इसका तो सेम ही हो जाएगा -5/8। आगे देखिए 64/25 to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या आता है, 1 आ जाता है। आगे देखिए -2/5 to the power 3, ये तो -2 into -2 into -2 अपॉन में 5 into 5 into 5, तो बच्चों 5 बन जा 5, ये 5 बन जा 5 यहाँ पर हो जाएगा, और क्या हो सकता है, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ भी 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर हमारे पास बचा है -1 into 1 into -1 into -1 into -1, और अपॉन में भी हमारे पास बचा है 2 into 1 into 5 into 5, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 1 जा 1 1 1 1, तो कितने बने ऊपर माइनस के, 1 2 3 4, यानी कि 1 ही आ रहा है नीचे, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, तो 1/50 इसका सही आंसर आ रहा है, 1/50। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है ना, कुछ हम मिस कर गए हैं, तो एक बार हमको देखना पड़ेगा, एक बार और चेक करते हैं अपन, आइए जरा एक बार हम क्या मिस कर गए हैं, तो एक बार और चेक करते हैं, तो -5/8 to the power 1 है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, -5/8, 64/25 अगर 0 है तो इसका तो आंसर होगा 1, और -2/5 to the power 3 है, मतलब -2 into -2 into -2, ये 3 बार आएगा, और 5 into 5 into 5 ये भी 3 बार आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू करने के बाद -5/8, और इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको लिख सकता हूँ -8/25, कितना लिख सकता हूँ 1 divided by 5, तो 8 से 8 कैंसिल, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ऊपर माइनस और माइनस का इंटू होगा तो प्लस, नीचे 25 1 जा 25, तो आंसर आएगा 1/25 इसका एग्जैक्ट सही बिल्कुल उत्तर होगा, परम सत्य आंसर होगा। तो ये थे आपके चूज द करेक्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन दी ब्लैंक्स पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन दी ब्लैंक्स, एंड हियर फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 into -2/3 into -2/3 into -2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 4 times, तो यहां पर क्या लिख देंगे, -2/3 to the power 4,
तो फर्स्ट का आंसर हो गया सेकेंड। 8/27 को फैक्टर बनाइए और पावर 3 में बांटिए, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, 8 के फैक्टर आप एलसीएम वाले करके लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 भाई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। वैसे 27 क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, आप वो एलसीएम वाले ऐसे कर लेना बनाकर, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो 2 को आया कितना 3 बार, तो 2, 27 भी आया 3 × 3, तो 2/3 to the power 3। और अब देखो 8/27 की पावर -3 कब होगी, जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -3 का -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 to the power -3 हो जाएगा, है ना। 2/3 में +3 आ रहा है क्योंकि ऊपर 8, तो 8 के फैक्टर, नीचे 27, तो 27 के फैक्टर, लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने -3 दिया है, तो -3 इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ -3 to the power 3 - 3 to the power 4, x^m × x^n क्या होता है x^m+n, तो m+n यानी 3 + 4 = 7, तो पावर में क्या जाएगा 7 आ जाएगा, तो -3 to the power 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड, डिवाइड में पावर हो जाती है माइनस, तो माइनस, तो 3 - 4, तो ये होगा -3 to the power 3 - 4, और 3 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा -1, तो यहाँ पर आएगा -3 to the power -1, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 1/-3, या इसकी पावर 1 भी लिख सकते हो, 1 लिखना पावर में जरूरी उतना है नहीं, तो पावर माइनस में आई, इसको प्लस करने के लिए अपन उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, ये अपन ने फॉर्मूले में देखा था। आगे किसी की पावर 0 हो, आंसर आता है 1, तो 1 × 1 आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप नीचे ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से 3.1 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर इसको कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसको बिल्कुल शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।